वो सीटी जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा 12th लेवल की और जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए अभ्यर्थी के लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं। 3,578 कांस्टेबल की होगी भर्ती, लिखित परीक्षा से पहले फिजिकल, यानी लिखित परीक्षा बाद में होगी, पहले फिजिकल होगी। हमेशा क्या होता है, पहले लिखित परीक्षा होती है फिर फिजिकल होता है। इस बार क्या है कि पहले फिजिकल एग्जाम होगा उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। जयपुर से खबर है, राजस्थान पुलिस में 3,578 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों की गणना के बाद पुलिस मुख्यालय ने गत सप्ताह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इस भर्ती में पहली बार लिखित परीक्षा से पहले फिजिकल कराया जाएगा, फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा के मेरिट से कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार ने बजट भी स्वीकृत कर दिया है। भर्ती के लिए सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। तय पदों से 15 गुना करीब 53,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी 15 गुना अभ्यर्थियों को सीईटी पास जो क्वालिफाई है उनमें से 15 गुना अभ्यर्थियों को कांस्टेबल के लिए लिया जाएगा और सीईटी में 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। जिन विद्यार्थियों के 40% अंक के सीईटी में उनको ही पहले फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद उनका फिजिकल में क्वालिफाई करने के बाद फिर लिखित एग्जाम होगा यानी रिटर्न एग्जाम होगा। अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे, आरक्षित वर्ग के लिए 35% अंक अनिवार्य है, यानी जो आरक्षित वर्ग के ST SC उनके लिए 35% अंक सीईटी में अनिवार्य है कांस्टेबल के लिए। और फिंगरप्रिंट के साथ आयरिस स्कैन फिजिकल व लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए इस बार अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट के साथ आयरिस स्कैन भी किया जाएगा, यानी फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाएगा, उसके बाद उनके आंखों को भी स्कैन किया जाएगा। सभी बदलाव पर निर्णय लेने के बाद पुलिस मुख्यालय में भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अनुमति मिलते ही विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, यानी अनुमति जैसे ही मिलती है विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। प्रस्ताव बनाकर भेजा, कांस्टेबल के रिक्त पदों के मुताबिक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा, सरकार से अनुमति मिलने पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उमेश मिश्रा यानी पुलिस महानिदेशक का कहना है कि जैसे स्वीकृति मिलती है यानी जैसे अनुमति मिलती है उसके बाद विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जो कांस्टेबल की परीक्षा देना चाहते हैं और जो CET क्वालिफाई है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बेरोजगारों के लिए शानदार खबर है। लेटेस्ट अपडेट विज्ञप्ति बहुत ही जल्द आने वाली है 3,578 पदों के लिए। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।